ये कौन है? क्या आदमी हो यार तुम? अरे सलमान खान को नहीं जानते? कौन से प्लैनेट से आए हो भाई? अरे ये सलमान खान है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। खैर अभी चलो। अरे कहाँ? अरे मेरे घर पे। और कहाँ, इतने फुग्गे फोड़ दिए तुम्हारे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओह कितने शरीफ बच्चे हो तुम, तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या फोड़ोगे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। अरे एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी जल्द। लेकिन अरे चलो। सिनेमा देख देख के पृथ्वी के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। कश नया बालवीर इसके जैसा जिद्दी और फिल्मी ना हो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं शर्मा जी सुनिए, आपके कल की पार्टी के लिए 11 टिफिन का ऑर्डर है ना, तो राउंड फिगर में 12 कर दूं क्या? समझ गए ना भैया, कैसे और क्या कहना है। हाँ चिंटी, अब तो देखते जा, विवान की मम्मी को विवान क्लब ऐसा भड़काएंगे कि उसके घर में अगली सब्जी विवान की पकेगी। चल करुणा जी, मैं बड़ा हूँ आपसे। अरे आपसे नहीं कह रही, बोलिए नहीं सुनिए, मैं ला रही हूँ आपके टिफिन। चार टिफिन है ना आपके? अरे चार नहीं, पांच थे करुणा जी। क्या? ठीक है ठीक है, मैं घर जाके एक डिब्बा और लेकर आती हूँ। ठीक है यार। क्या आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही? अरे अरे बोलिए नहीं सुनिए, वो क्या हुआ ना कि जल्दी जल्दी मैं बना के जल्दी जल्दी मैं बांध के जल्दी जल्दी निकली ना, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप पांच लो, चार टिफिन में खा लीजिएगा ना, उससे क्या है प्यार बढ़ता है। करुणा आंटी। क्या आंटी जी, कितनी मेहनत करती है आप, हर सुबह टिफिन बांटने में, कितना मानते हैं सब लोग आपको। थैंक यू बेटा। बस एक विवान ही है जो आपको कुछ नहीं मानता। क्यों, क्या किया विवान ने? अब क्या बता आंटी जी, हमारे इतने रोकने के बाद भी विवान बस से उतर कर मार्केट भाग गया मस्ती करने। क्या बदतमीज, जबकि मैंने इतनी बार कहा है स्कूल से पहले घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद कहीं जाना है। हमने भी कहा था आंटी कि कोई भी मार्केट माँ से बड़ा नहीं होता। बोलूं? लेकिन उसने कहा मैं जो एक बार मस्ती कमिटमेंट कर लूं, फिर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। क्या ऐसा कहा विवान ने? हाँ आंटी ऐसा बोला। चलो घर। घर क्यों? वो तो मार्केट में है ना। हाँ लेकिन डंडा तो घर पे है ना, उसी डंडे से पिटाई करके लाऊंगी ना उसे घर वापस। हाँ 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 बोली नहीं सुनिए, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप पिटाई खा लीजिए। क्या? अब मेरा मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिटाई खाने जा, मेरा मतलब मैं मेरे बेटे की पिटाई करने जा रही हूँ, मैं नहीं ला रही हूँ आपके टिफिन, टिफिन कैंसिल। चलो चलो। पृथ्वी पर काल लोग की शक्तियां काम नहीं करती जबदाली। ऐसा भैरानी क्यों? बालवीर की वजह से। एक दिन वो मेरा खाना बनेगा। जरूर बनेगा अक्रूर, क्योंकि एक दिन उसे ही मैं तुम्हारे सामने परोसूंगी अपने हाथों से। पृथ्वी हमारी नजरों से बची है क्योंकि बालवीर ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा रखा है, और एक दिन वो सुरक्षा कवच मैं तोड़ूंगी अपनी काली शक्तियों से। नन्ही उंगली की कसम, हैरानी कितना भरा है आप में ज्ञान। लेकिन हैरानी, जो पूरे कालोक में कोई नहीं जानता उसके बारे में भी आपको कैसे पता? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर समय गलत है। तो मेरी सर्वे सर्वा आप ही बता दीजिए, इस समय आपसे कौन सा सवाल करूं? यही कि क्या होगा अगर
भय मार को बालवीर मिल गया तो क्या होगा जब बालवीर भैमार के सामने आएगा? बहुत मजा आएगा। जादू नहीं चलता तो ना चले, मोहताज नहीं हूं मैं जादू का। मेरी शक्ति मेरी उंगली में है, और जब ये उंगली टेढ़ी होगी ना तो प्रलय आएगी। और अब समय आ गया है तौबा तौबा ये उंगली टेढ़ी करने का। उंगली टेढ़ी? तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने मेरी हर शरारत के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। जैसे बोल से कांच फोड़ने का बजट, टीवी फोड़ने का बजट और चोट वोट लगने का बजट। वो भी मैंने पहली बार फोड़ा है, और कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, माफ करो। बालवीर, बालवीर हमें धरती पर बुरी शक्तियों का आभास हुआ है, जल्दी चलो यहाँ से। क्या? लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है ना। ओ हेलो, हवा में किसे शिकायत कर रहे हैं? मेरी मक्खी से। मक्खी? इसने मुझे मक्खी बोला? तू क्या इसे मलेरिया? नहीं, शांत रहो। अरे वापस मक्खी से बात करो। मुझे तो लगता है तुम्हें फुक्की खूनी का बहुत बड़ा सदमा लगा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ, चलो। बाल परी ने फौरन बुलाया है, पर ये लड़का ऐसे जाने नहीं देगा। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं इसे गायब करके उसके घर पहुंचा दूंगी, और इसे ये याद भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन वो, अरे आंटी आपके पास में तो एक्सीडेंट है क्या? हम भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अरे बोलो मत, सुनो, बच्चे की पिटाई करने का हक सिर्फ उसकी माँ को होता है। कोई बात नहीं चिंटू, विवान को पिटते हुए देखकर मौज कर लेंगे। शाश तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अंग्रेजी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। बेटा तू कब आया? मम्मी जैसे स्कूल खत्म हुआ बस से सीधा घर पे आ गए, बस पढ़ने बैठ गया। पता नहीं आज पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है। आंटी झूठ बोल रही है, दिस इज चीटिंग। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ नहीं तो आंटी डंडे मारेगी। चिंटू, चिंटी। अरे यार विवान को डंडे पड़वाने के चक्कर में अब खुद को डंडे खाने पड़ेंगे। हमेशा उल्टा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम लोग मानोगे नहीं हा? कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है कि स्कूल बस से सीधा घर आना है। चलो घर, बताते हैं तुम्हें। दर्द हो रहा है। चलो अभी हम बताते हैं, चलो चलो घर चलो। आ, डंडा। अरे छोड़ेंगे नहीं, रुको। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, आप तो बिना पूछे घुस जाती है दिमाग में। कसम से एक बार मेरा दिमाग पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये जब्दाली आपका कितना बड़ा है। भक्त भैरानी आगे क्या करने वाली बताइए ना। भैरानी जब जब आप ऐसे चुप रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है, बहुत खतरनाक खुराफात। मेरे कान सुनने के इच्छुक हो रहे हैं, बताइए ना। बता दूंगी तो देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा जब्दाली। ये भी सही है, देखने का मजा तो अलग होगा। वैसे भैरानी आपको थोड़ी बहुत ये नहीं चिंता, क्योंकि वो बेवकूफ भैमार और तौबा तौबा वो भी तो वही है नीचे, कहीं आपसे पहले उन्होंने बालवीर को पकड़ लिया तो। मूर्खों की चिंता करना तिमनासा को शोभा नहीं देता। दृश्यम होगा। ओ, होने वाले बहराजा,
बिना जादू के, बिना धारी जैसी तलवार लिए कैसे लड़ोगे बालवीर से? ये तुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, लेकिन ये बालवीर को तो नहीं पता ना। जब जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर को आना ही होता है। मालपरी, लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको, ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है, और बालवीर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। लोग मुसीबत में, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर बालवीर, आजा, आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है, बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। तेरी अच्छाई गिरी खत्म। मार इसे बालवीर, मार इसे भाई, मार जी।
करने का। और ये ये भी दृश्यम है। अरे सात लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को। भागे यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूँ, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा। अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन वो नहीं बालवीर, नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियाँ हैं। अच्छा, परियां रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीर लोग जाना होगा। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भाईमार।
मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.